नमस्कार, आज हम 25 अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। आज निफ्टी 17,679 के स्तर के साथ पॉजिटिव नोट से शुरू हुआ। उसके बाद एक ब्रीफ कंसोलिडेशन फेज के बाद इसमें तेजी आई। दोपहर 12 बजे निफ्टी इंडेक्स 17,692 पर कारोबार कर रहा था। बाजार कुछ कारोबारी सत्रों में ऊपर की ओर रुझान बनाए रखने में सफल रहे। इसी ट्रेंड को जारी करते हुए सेंसेक्स ऊपर की ओर खुला। दोपहर 12 बजे सेंसेक्स 59,372 पर कारोबार कर रहा था, जो अपने पिछले बंद भाव से 0.49% ऊपर है। टाटा पावर की एक इकाई ने अपने कर्ज को पुनर्वित करने के लिए सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन SLL के माध्यम से 320 मिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए हैं। वित्त उद्योग पर नजर रखने वालों ने कहा कि SLL आमतौर पर पारंपरिक ऋणों की तुलना में 0.25% तक सस्ता है। टाटा पावर की विदेशी शाखा द्वारा लिया गया ऋण सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए 3 साल की अवधि का ऋण है। ऋण को SLL के रूप में मान्यता दिलाने के लिए कंपनी ने कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI के लिए प्रतिबद्ध किया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि वो खराब एयरबैग घटकों को बदलने के लिए 166 डिजायर टूर एस इकाइयों को वापस बुला रही है। देश के सबसे बड़े कार निर्माता ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि इस साल 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच कॉम्पैक्ट सेडान के प्रभावित लॉट का निर्माण किया गया है। इन वाहनों में एयरबैग कंट्रोल यूनिट को मुफ्त में बदलने के लिए रिकॉल किया जा रहा है। TVS मोटर कंपनी ने बुधवार को कहा कि वो नारायण कार्तिकेयन के पूर्व स्वामित्व वाले दो पहिया स्टार्टअप ड्राइवएक्स में 85 करोड़ रुपए में 48% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। कंपनी ने कहा कि वो एनकाज मोबिलिटी मिलेनियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड NMMSPL में 48.27% हिस्सेदारी हासिल करेगी, जो ड्राइवएक्स ब्रांड के तहत काम करती है। फॉर्मूला एक ड्राइवर कार्तिकेयन द्वारा स्थापित ड्राइवएक्स दोपहिया मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को पट्टे पर देने और पूर्व स्वामित्व वाली दोपहिया मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की बिक्री, व्यापार और वितरण में है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स चालू वित्त वर्ष की चालू तिमाही में दिल्ली NCR क्षेत्र के लोहारी में अपनी वेयरहाउसिंग सुविधाओं की तीसरी और आखिरी इकाई के साथ आने के लिए तैयार है। इसके अलावा भिवंडी और नासिक में 2 और जोड़े जाएंगे। कंपनी अब अपने नेटवर्क विस्तार के दूसरे चरण में अपने वेयरहाउसिंग फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए प्रमुख शहरों से आगे भी देख रही है, क्योंकि लखनऊ, पटना और गुवाहाटी जैसे छोटे शहरों से मांग में वृद्धि देखी जा रही है। IDFC लिमिटेड ने बुधवार को घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल ने 1 अक्टूबर 2022 से कंपनी के प्रबंध निदेशक MD के रूप में महेंद्रन शाह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सुनील कक्कड़ का कंपनी के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यकाल होगा 30 सितंबर 2022 को कार्य समय की समाप्ति पर समाप्त होगा। शाह 24 मई 2019 से IDFC लिमिटेड के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने अपने KG क्षेत्रों से 15 अमरीकी डॉलर प्रति MMBTU की उच्च कीमत पर गैस बेचने के लिए एक निविदा फिर से शुरू की है, क्योंकि यह ऊर्जा की कीमतों में वैश्विक उछाल को भुनाने के लिए है। निविदा दस्तावेज के अनुसार फर्म ने बंगाल की खाड़ी में 98/2/5 क्षेत्रों से 1 वर्ष के लिए प्रतिदिन 0.75 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर गैस की बिक्री के लिए बोलियां मांगी। MD और CEO चंद्रशेखर घोष ने कहा कि बंधन बैंक 2022-23 वित्तीय वर्ष में 551 और शाखाएं खोलेगा, जो कि पूर्वी क्षेत्र के बाहर भारत के अन्य हिस्सों में अपने वितरण को मजबूत बनाने के लिए ऋणदाता के फोकस के हिस्से के रूप में है। नवीनतम जोड़ के साथ कोलकाता मुख्यालय वाले बैंक की शाखा संख्या 6000 से अधिक हो जाएगी, उन्होंने कहा। ल्यूपिन ने बुधवार को कहा कि उसे फोमोटेरोल फ्यूमरेट इनहेलेशन सॉल्यूशन के लिए USFDA से मंजूरी मिल गई है, जिसका इस्तेमाल क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लक्षणों के इलाज में किया जाता है। मुंबई की दवा निर्माता कंपनी ने एक बयान में कहा कि कंपनी को उत्पाद के लिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA से मंजूरी मिल गई है, जो माइलान स्पेशियलिटी के परफॉर्मिस्ट इनहेलेशन सॉल्यूशन का एक सामान्य संस्करण है। IT कंपनी विप्रो लिमिटेड ने बुधवार को वैगना जीसस को ब्राजील में परिचालन के लिए कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की। वैगना 3 साल पहले गैर वित्तीय व्यापार क्लस्टर में अग्रणी भूमिका निभाते हुए विप्रो में शामिल हुए थे।
वैगनर ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्रबंधन प्रमाणन प्राप्त किया है। FIP ब्राजील द्वारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर MBA और ब्राजील में वेलेडो पाराइबा विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।